आज हम बातचीत करेंगे बीज बुआई पर सीड सोइंग पर बीज बुआई एक बहुत सस्ती टेक्निक है जो बजट की कमी होती है पैसे की कमी होती है हम इस विधि को काम में ले सकते हैं देखिए कुछ सिद्धांत इसमें हैं कि जब भी हम बीज बुआई करें बीज जहाँ तक हो अपना स्वयं का संग्रह करना चाहिए क्योंकि वो बीज जीवित रहता है अक्सर लोग बाहर से बाजार से बीज खरीद लेते हैं और वो ज़्यादा दिन स्टोर में रखा हुआ बीज होता है उसकी सेल्फ लाइफ के से ज़्यादा उसको रख लेते हैं तो बीज मर जाता है ऐसे मरे हुए बीजों के जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही पुअर होते हैं इसलिए जो भी बीज इकट्ठा किया जाए वो प्लस ट्री से इकट्ठा किया जाए प्लस ट्री वो होते हैं जो हेल्दी होते हैं मीडियम एज होते हैं डिजीज फ्री होते हैं जिनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है ऐसे चयनित वृक्षों से आप रखें बीज को सही समय पर सही ढंग से क्लीन करके सही ढंग से स्टोर करना चाहिए और अपने आप को कंफर्टेबल रखने का एक तरीका है कि आप बीज कैलेंडर बना लीजिए और एफ एस ने भी ऐसे बहुत सारे तो बड़े अच्छे इजी लोकल लैंग्वेज में बीज कैलेंडर तैयार की है उनमें बीजों को इकट्ठा करने का समय से लेकर कब फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है तो वो सारी चीज़ें हमारे जहन में होती है तो इससे हम समय पर बीज को इकट्ठा कर सकते हैं दो तरह के बीज प्रकृति ने हमको दिए हैं एक सूखे बीज दिए हैं जिनमें पानी की मात्रा कम रहती है ये इन बीजों को हम स्टोर भी कर सकते हैं और ये सड़ते नहीं हैं इन बीजों को हम ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं बीजों की दूसरी किस्म है रिकल्सिट्रेंट सीड जिनमें नेचर ने पानी ज़्यादा लिया है दिया है लगभग 25 से 27 परसेंट इनमें पानी होता है पानी ज़्यादा होने की वजह से इन बीजों को हम स्टोर में इकट्ठा अगर स्टोर करते हैं तो सड़ने की संभावना रहती है अतः ऐसे बीजों को इकट्ठा ना किया जाए जैसे कि आप जामुन है खजूर है हमारा जा, आम है कढ़ी नीम है ये ऐसी प्रजातियां हैं महुआ भी है जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते अतः इन बीजों को ताज़ा इकट्ठा करके और इनको बो देना चाहिए नीम भी इस कैटेगरी में आ जाता है बीजों को जो बोने का तरीका है वो बिल्कुल इस प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए प्रकृति में जौन होते हैं किसी भी पहाड़ी या ऊंची जगह पे जाएंगे सबके ऊपर की तरफ वो बीज बुआई होनी चाहिए जो कम पानी जिनको चाहिए उससे नीचे उन बीजों का बुआई करनी चाहिए जिनको थोड़ा और ज़्यादा पानी चाहिए और नीचे की तरफ उन बीजों को बोना चाहिए जिनको और भी ज़्यादा पानी चाहिए बीजों का बुआई करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीज जितना मोटा है उतनी ही गहराई पे ये जाए कई तरह से बीज की बुआई कर सकते हैं हम झाड़ियों में कांटेदार झाड़ियों में बीज को बुआई कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास एक पाइप होलो पाइप होता है उसके ऊपर फनल लगा रहता है नीचे की तरफ एक चाकू होता है और इससे हम झाड़ी में बिना हाथ दिए थोड़ी सी मिट्टी को नरम करके खुदाई कर देते हैं और फिर ऊपर से बीज को छोड़ देते हैं बीज अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है उस बीज को मिट्टी से ढक देते हैं इस तरह हम आपका आ, बुश का सोइंग जिसको बुश सोइंग कहते हैं ये कर सकते हैं नीम की सोइंग हम कर सकते हैं चंदन की सोइंग कर सकते हैं आ, कभी कभी हम उबा भी ऐसा कर सकते हैं अगर वहाँ पर चराई करने वाले जानवरों का प्रकोप है तो ये विधि अच्छी रहती है क्षेत्र अगर चट्टान है तो चट्टानों में बहुत सारी दरारें होती हैं उन दरारों में भी हम बीजों को छोड़ सकते हैं इसको क्रिविस सोइंग कहते हैं हमारी ट्रेंचों पे भी हम बीज को बुआई कर सकते हैं एक से लेकर तीन कतारों में बीज की बुआई कर सकते हैं ट्रेंचों पे बुआई करते समय ध्यान रहे दो बीजों के अंतर कम से कम छः से नौ इंच का गैप रहना चाहिए बीज बोने से पहले उसका सर्वाइवल देख लीजिए अगर बीज का सर्वाइवल अच्छा है जैसे अगर अस्सी नब्बे परसेंट सर्वाइवल है तो आप एक जगह एक ही बीज बो सकते हैं लेकिन अगर फिफ्टी परसेंट सर्वाइवल है तो एक जगह दो बीज बोएं तीस आपका बीज का जर्मिनेशन है तो आप एक जगह तीन बीज बोएं तो इससे बीज का वेस्टेज भी रुक जाता है अगर आपने गड्ढों में प्लांटिंग किया है और गड्ढों के बीच में कुछ खाली जगह है स्पेस पेंट को ठीक करने के लिए जो वास्तविकता में खाली जगह है वहां पर भी थोड़ी सी पंद्रह बाई पंद्रह सेंटीमीटर की मिट्टी को गैती से नरम कर कर एक सॉफ्ट सीड बैड बना देते हैं और उस सॉफ्ट सीड बेड में आप सीड को बुआई कर सकते हैं अगर हम इन विधियों का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही हम बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं लो कॉस्ट परिणाम दे सकते हैं और एक चीज़ और ध्यान रहे बीज बुआई के बाद में आवश्यकता अनुसार अगर वहाँ पर वीड ज़्यादा आ रही हैं खरपतवार ज़्यादा आ रही हैं तो हमें खरपतवारों को हटाना चाहिए बीजों के आसपास मिट्टी को भी थोड़ा सा नरम कर देना चाहिए और अगर अंदर सुअर गाय की समस्या है तो अगर सब बीजों को हम नहीं बचा ढक सकते तो बहुत इंपॉर्टेंट जो जातियाँ हैं उन पर कुछ कांटेदार झाड़ियाँ हम लगा सकते हैं ऐसी कांटेदार झाड़ियाँ हम गड्ढों में रोपित पौधों को भी लगाकर अतिरिक्त सुरक्षा दे सकते हैं ये विधियाँ अपनाएँगे तो निश्चित ही सीड सोइंग के बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे